हजार रुपए लेकर ग्रेनेड हमले की फिराक में था ये आतंकी। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक जागरण समाचार से। पिछले दिनों नरवाल से एक आतंकियों का मददगार गिरफ्तार किया गया था, उससे बड़ी जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं। एक जानकारी तो हम आपको ये बता दें कि जानकारी ये है कि 30,000 रुपए लेकर ग्रेनेड हमले की फिराक में था ये आतंकी। मात्र 30,000 रुपए के लिए ये किसी की जान लेने पर उतारू था। आप सोच सकते हैं कि कितना संगीन मामला है। इसमें पूरी जानकारी देने की आपको कोशिश करेंगे। हमारे जो सहयोगी पत्रकार हैं गोविंद चौहान, उनसे बात करेंगे, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो मददगार था ये पैसे लेकर ग्रेनेड हमला करने की फिराक में था या ग्रेनेड हमला ये कर चुका था पहले, कुछ ऐसा किया है, क्या किया है, ये सारी जानकारी आपको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। गोविंद जी। जी दीपक जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ ये जो 30,000 रुपए लेकर ग्रेनेड अटैक करवाया गया है, ये कहाँ पर करवाया गया और इसका खुलासा कैसे हुआ है? देखिए, पहले मैं आपसे एक बात को दुरुस्त कर दूँ, ग्रेनेड अटैक करवाया नहीं गया, ग्रेनेड अटैक हुआ नहीं है। हुआ नहीं है, ग्रेनेड अटैक करने का। अच्छा, प्लान था। क्या हुआ था कि नरवाल में जम्मू पुलिस की टीम ने फरवरी महीने के अंतिम सप्ताह में एक ओवरग्राउंड वर्कर पकड़ा था जी, जिसे हम आतंकियों का मददगार कह सकते हैं। उसकी पहचान शाकिर अहमद नाइकू के रूप में हुई जी। उसे पुलिस ने सूचना के आधार पर पकड़ा था, उसके पास एक ग्रेनेड बरामद हुआ था जी। जी बिल्कुल। उसे रिमांड पर लिया गया, वो हिजबुल के लिए काम करता था। जब उसकी पूछताछ हुई तो उसने एक अपने साथी का नाम बताया, रईस। अच्छा, पुलिस ने उसको पकड़ के लाई है। पुलिस अब उसको परसों रात को शोपियां से पकड़ कर जम्मू लाई है। अच्छा, शोपियां से लेकर आए, ठीक है। हाँ, इस मामले में अभी तक दो लोगों को पकड़ा गया, दोनों आतंकियों के मददगार हैं, ओवरग्राउंड वर्कर हैं। हाँ, ये दोनों एक एक्टिव मिलिटेंट है, वासित, ये अपना कुलगाम में सक्रिय है, ये उसके लिए काम करते थे दोनों का अलग अलग चैनल था काम करने का, ठीक है। बासित हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करता था। बासित हिजबुल का आतंकी है, एक्टिव है। अच्छा, एक्टिव आतंकी है, ठीक है। तो ये दोनों जो थे अपना बाकिर और रईस, दोनों उसके लिए काम करते हैं जी। पहले पकड़ा गया नरवाल में, मैं फिर एक बार दोहरा देता हूँ, पहले पकड़ा गया नरवाल में साकिर अहमद नाइकू, ठीक है। ये जैनपुरा शोपियां का रहने वाला है। जब इसकी पूछताछ हुई तो इसने बताया कि मेरे साथ एक और बंदा था, रईस। जी हेलो। उसके बाद पुलिस ने कई दिनों की पूछताछ के बाद छापा मारा और रईस को पकड़ कर लाई है पुलिस जी। इस मामले में दो बंदे पकड़ लिए। अभी तक की जो जांच में आया है, जो साकिर है इसने बताया कि मुझे हिजबुल के आतंकी बासित ने 30,000 रुपए दिए थे। अब पुलिस उस बैंक खाते की जांच कर रही है कि वाकई 30,000 रुपए आए थे उसके खाते में जी। पूछताछ के दौरान पता चला बासित जो मिलिटेंट है ये नशे का आदि है। अच्छा, ये नशा करता है। और जो दूसरा है रईस का ये रोल रहा कि रईस वो बंदा था जिसने साकिर को कश्मीर से अपने सेंट्रो गाड़ी में डाल कर जम्मू के नरवाल में पहुंचाया था, तो ताकि वहां पे ग्रेनेड हमला कर सके। सेंट्रो भी हिरासत में ली गई है। हाँ, सेंटर को भी जब्त कर लिया है, जो इस्तेमाल हुई है कश्मीर से जम्मू आने में। ओवरग्राउंड वर्कर जो साकिर है वो इसी पे सवार होके रईस के साथ जम्मू आया, इसको छोड़ने के बाद रईस चला गया वापस कश्मीर जी। जब पूछताछ हुई साकिर की, जो ग्रेनेड के साथ पकड़ा गया, उसकी पूछताछ के बाद ही पुलिस की एक टीम गई शोपियां, वहां से रईस को पकड़ कर लाई जी। रईस पेशे से ट्रक चालक है। अच्छा, अब पुलिस ये भी देख रही है इस मामले में, एक चीज और भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अभी हम इसको पुख्ता नहीं कर रहे, ना ही स्टेट समाचार इसको पुख्ता करता है, लेकिन जांच में जो आ रहा है ये भी माना जा रहा है कि ये कहीं ट्रक ड्राइवर जो है कहीं नशे की खेप आगे पीछे पहुंचाने का काम करता था मिलिटेंट के लिए।
ये भी एक जांच का विषय है, पुलिस उस पर जांच कर रही है। फिलहाल साकिर जो नरवाल में पकड़ा गया था वो 5 मार्च तक रिमांड पर है जी। उससे पहले पकड़ा गया, उसे रिमांड पे लिया गया था, उसकी रिमांड 5 मार्च को खत्म हो रही है। जो आया है उसे 10 दिनों की रिमांड पर ले लिया गया है। दोनों की पूछताछ की जा रही है। ये दोनों रहने वाले कहाँ के हैं? ये दोनों शोपियां के रहने वाले, ये शोपियां के रहने वाले हैं। तो इनका जम्मू पुलिस को सूचना मिली थी कि कश्मीर से कोई ओवरग्राउंड वर्कर इस तरफ ग्रेनेड हमला करने के लिए प्लानिंग चल रही है जी जी जम्मू में। उसके बाद एसएसपी चंदन कोहली ने एक टीम का गठन किया था जी। वो टीम कई दिनों से जांच करने में लगी हुई थी। जांच के दौरान ही नरवाल में साकिर को पकड़ा गया। ग्रेनेड तो बरामद हुआ है जी। अब पूछताछ के बाद केस को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस आने वाले दिनों में और बरामदगियां भी हो सकती हैं। तो आने वाले समय में हम ये भी सोच सकते हैं कि हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों पर भी छापेमारी हो सकती है, या उनको भी अटैक हो सकता है हमारी तरफ से। देखिए अभी तक तो ये कहना मुश्किल है थोड़ा, लेकिन इतना है कि इस मामले में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगेगी आने वाले दिनों में। देखिए एक ओवरग्राउंड वर्कर, अभी आप हम थोड़ा सा पुराना डाटा खंगालते हैं जी जी। अपना कुचवानी में एक बेल्टन पकड़ा गया जो अपने आप बट तंजीम का घाट था जी। उसके बाद लगातार जम्मू में हमले करने की कोशिश की जा रही है जी। की जा रही है, लेकिन पुलिस उसे हर तरह से नाकामयाब कर रही है। अभी तक 2-4 ओवरग्राउंड वर्कर पकड़े गए। अब ये जो था साकिर, ये भी तो ग्रेनेड हमला करने के लिए आया था जी। अगर पुलिस थोड़ी सी चूक करती तो कोई बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन इसके हमला करने से पहले ही इसे पकड़ लिया गया। बल्कि पुलिस का तंत्र कितना मजबूत होगा कि हमला करने से पहले आतंकी को ग्रेनेड के साथ पकड़ लिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। और अब आगे जांच की जा रही है। जांच के दौरान ही रीस को पकड़ा गया जो कि इसको कश्मीर से जम्मू लाया था जी, ताकि ये ग्रेनेड हमला कर यहाँ छोड़ने के बाद तो वो भाग गया वापस, लेकिन उसको फिर भी पकड़ के कश्मीर से वापस यहाँ पे लाया गया। अब उन दोनों की पूछताछ में कई सारे खुलासे होंगे, फिर आगे कार्रवाई चलती रही। चलिए शुक्रिया शुक्रिया हमें जानकारी देने के। तो सुना आपने, मात्र 30,000 रुपये लेकर ये शख्स जो था वो ग्रेनेड हमला करने वाला था, और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज कितनी सतर्क होंगी, कितनी सक्रिय होंगी कि उससे पहले ये सब करता तो उससे पहले ही से गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले भी जम्मू के अंदर जिसने भी इस तरह का कदम उठाने की कोशिश की तो वो अटैक करने से पहले, हमला करने से पहले, धमाका करने से पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके लिए हमें लगता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस का शुक्रिया अदा आप ज़रूर ज़रूर शुक्रिया अदा करें। लेकिन इस मामले में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पूछताछ चल रही है, और आने वाले समय में और क्या क्या खुलासे होंगे वो देखने वाली बात होगी। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोखोत्रा को दें इजाज़त। नमस्कार।